ओके, सेलेक्ट द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फ्रॉम द फॉलोइंग। सैचुरेटेड का हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला Cn H2n+2। तो अगर C3 है, H6 है, तो ये इसका ट्वाइस है, मतलब अगर ये 2 है तो ये 2n है, ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी इसका ट्वाइस है, ये भी नहीं हो सकता। ये इसका ट्वाइस ये है, इसको चेक करते हैं, यस सर, फोर एंड दिस इज 4 × 2 + 2, तो ये है हाइड्रोकार्बन। इसको देखते हैं, दिस इज 2 एंड दिस इज 2 × 2, सर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। C6H14 देखते सही हैं, है, तो दिस इज 6 एंड दिस 6 × 2 + 2, तो ये भी है। तो इस फॉर्मूले से चेक करना था, तो ये दोनों हाइड्रोकार्बन सिर्फ कौन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। समझ आया सबको? किसी यस सर। को पूछना है पूछ लो, नहीं चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप ढूंढना है हमें। ठीक है, तो ये देखो, अगर मैं फंक्शनल ग्रुप के टॉपिक पे चढ़ूं, तो पहला जो हम देखते हैं, ये मैं नीचे ले आता हूँ टेबल, आसानी होगी थोड़ी आपके लिए। यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, तो अभी डिलीट कर देंगे क्वेश्चन कर। तो सबसे पहला हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है जिसमें ये फंक्शनल ग्रुप हो। कैसा फंक्शनल ग्रुप किसमें दिख रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड, मिल गया हमें का फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इसकी बात करते हैं, इसमें और तो हर जगह हाइड्रोजन है, बस एक छुपा हुआ है यहाँ पे, OH है। OH कौन सा है? एल्कोहल। अल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या एडेड है? CHO। ठीक है, CHO किसमें है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ठीक है, ये भी ठीक है। इसमें देखते हैं BR, तो BR किसमें था? हेलो ब्रोमो एल्केन। हेलो एल्केन। हाँ, हेलो एल्केन। ठीक है, अच्छा इसके बाद ये देखते हैं अगेन, ये O और O डबल डबल बॉन्ड O है, एंड देन उसके साथ क्या है? एक हाइड्रोजन और एक कार्बन। ठीक है, ये इस OH है कहीं? कहीं OH दिख रहा है? OH दिख रहा है कहीं? नहीं, नो सर, OH नहीं दिख रहा, तो ये तो नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली यही होगा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। ओके सर, क्या क्यों कीटोन नहीं हो सकता है? कीटोन भी तो हो सकता है, सब कीटोन भी कीटोन हो ही सकता है। है, क्योंकि इसमें कीटोन ही अकेला है जिसमें दोनों साइड सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, तो दिस इज कीटोन। ठीक है, ओके सर, सारे एक एक के थे। थर्ड क्या है? ठीक है, दिस इज CHO वाज एल्डिहाइड। सर एल्डिहाइड, ठीक है, दिस वाज अल्कोहल, एल्कोहल, एल्कोहल एंड दिस वाज कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। टेबल को भूल जाते हैं, ओहो टेबल के साथ ये क्या आ गया? टेबल को भूल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द हायर होमोलोगस ग्रुप ऑफ CH2O। हमें पता है, हमें सिर्फ क्या ऐड करना है? CH2 ऐड करना है हमें, तो CH2 अगर मुझे इसमें ऐड करना है, तो दिस इज CH2O, इसका नेक्स्ट क्या आ जाएगा? C2H4O। H4। ठीक है, यस सर। अच्छा ये है क्या, कौन बताएगा? फिगर आउट करो। नेक्स्ट देखते हैं C2H2, तो इसमें हमें क्या, इथीन। दिस इज, ये क्या बन जाएगा? इसके बाद हमें ऐड क्या करना है? एक कार्बन। ठीक है, एक कार्बन ऐड करेंगे तो कितना हो गया? C3, एंड हाइड्रोजन कितने हो गए? H4, करेक्ट। दो हाइड्रोजन, यस CH2 ही ऐड करना है ना हमें सर? CH2 ऐड करा है, इसमें भी हमने CH2 ऐड करा है। ठीक है, इसमें भी CH2 ऐड कर देते हैं, तो इसमें CH2 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? CH2 ऐड करना है हमें। अच्छा देखो ये क्या है, पहले तो मैं डायग्राम बनाता हूँ उसका, तो कंफ्यूजन ही क्लियर हो जाएगी। ये है C2, ठीक है, C, ठीक है, एंड COOH, ठीक है, और COOH में ग्रुप कौन सा ऐड हो रहा था? हमने ग्रुप से देखा था, ग्रुप ये ऐड होगा। ठीक है, तो मतलब लास्ट वाला जो है वो है COOH, ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ। ठीक है, यहाँ पे और सर जगह हाइड्रोजन फिल्ड है, करेक्ट, यही स्ट्रक्चर है इसका। यस सर,
अच्छा इसमें अगर मैं एक और थ्री किसका है? ये CH2H5COH, लेकिन इसमें दो ही कार्बन है, दो ही तो कार्बन है, अनेक कार्बन इसका ग्रुप का। कौन सा ग्रुप है अभी तो पड़ा कार्बन ऑक्सीजिले ग्रुप, ये देखो ये जो ग्रुप था इसमें क्या था, COHNO है ना, समझ आया जांच सर? मतलब इसे नेमिंग फॉर्म में COOH लिखते हैं। हाँ ऐसे नेमिंग फॉर्म में COOH लिखते हैं, तो इसमें एक सी दो सी एक और सी चाहिए अब हमें, एंड देन ग्रुप तो हमें ऐड करना ही है, जो ग्रुप एडेड है ग्रुप को ऐड कर देते हैं पहले, ठीक है, एंड देन हर जगह और हाइड्रोजन फिल कर देते हैं, एच 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 एच, तो दिस इज C3H5COOH। अगर हम सिंपली इसमें CH2 ऐड भी करते थे तो भी क्या बन जाता है, C3H5, ठीक है, COOH, ठीक है, यस, ओ सॉरी 7, यस 7 है ना इसमें। आगे बढ़े, समझ आ गया सबको, नेक्स्ट ढूंढना हमने बस इसमें। अच्छा व्हाट इज मेंट बाय आइसोमर्स, आप लिख दोगे कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं, जिनकी केमिकल नेम ये तो सेम हो लेकिन इनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हो, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ टू आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन के आइसोमर्स बनाते हैं C4H10 के, तो ब्यूटेन के आइसोमर्स बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर भी लिख देता हूँ कंफ्यूजन हो जाएगी, दिस वॉज question 1, this was question 2, this was question 3, this is question 4, so ye pura aapka 4 ka answer hai sir, wo question 2 ka hi parts nahi tha kya, oh ha, this is 3 aur ye fir 3 ka answer hai, isomers ki baat karte hain butane ke स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 4, तो ब्यूटेन के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ब्यूटेन आइसो, ठीक है, तो सबसे पहले तो ब्यूटेन का नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या है, कितने कार्बन है, 4 कार्बन C4, करेक्ट, C4H10, तो C4 सबसे नॉर्मल स्केलेटन है इसका, इसके बाद दूसरा स्केलेटन हम क्या बना सकते हैं, कार्बन कार्बन एंड देन इससे दो, करेक्ट, और कोई पॉसिबिलिटी है इसमें, नहीं इसमें और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इसी में हम दोनों में इसके हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं, सर अगर हम 3 कार्बन बना के 1 कार्बन बीच के उस पे डाल दें तो वो यही तो रह जाएगा, इसको ध्यान से देखो सेम है, वही बनाता हूँ जो आप कह रहे हो, ये और ये सेम है, ये कह रहे हो ना, यस सर, यस सर, तो ये देखो ना फर्स्ट का ये मैं इसे ऐसे याद रखता हूँ, फर्स्ट कार्बन सिंगल बॉन्ड विद अ कार्बन देन सिंगल बॉन्ड विद टू कार्बन, तो इसमें भी यही हो रहा है, फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड, ये दो कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड, तो फिर वही हो रहा है, सेम ही स्ट्रक्चर है, बस हाइड्रोजन फिल कर देते हैं, तो एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, बन गया आइसोमर, ठीक है, ये तो पॉसिबल स्ट्रक्चर आइसोमर है ब्यूटेन की, ठीक है, एक्सप्लेन व्हाई वी कैन नॉट हैव आइसोमर्स ऑफ द फर्स्ट 3 नंबर्स ऑफ एल्कलाइन सीरीज, क्यों नहीं कर सकते हम, बिकॉज उसमें स्ट्रक्चर चेंज करना पॉसिबल ही नहीं है उसका, ठीक है, सी सबसे पहले में तो एक ही कार्बन है, दूसरे में एक कार्बन के साथ एक अटैच है, तो वो हमेशा एक कार्बन दूसरे के साथ अटैच होगा, उसका कोई ब्रांच फॉर्म हो ही नहीं सकता, सिमिलरली तीसरे वाले में भी कोई ब्रांच फॉर्म हो ही नहीं सकता, ठीक है, यस यस सर, बढ़ते हैं, व्हाट विल बी द फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप खुद बना लेना, मैं फॉर्मूला लिखा देता हूँ, पेंटेन है नंबर 5, 5 है, साइक्लोपेंटेन, तो C5H10, और बनेगा कैसे, तो
बोलो सर, जो क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला जो क्वेश्चन था वो भी ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर डॉट साइक्लोपेंटेन, उसका स्ट्रक्चर बता दो। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, यस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना, लेकिन मैंने वो स्ट्रक्चर बना दिया। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप खुद बना लेना। कैसे बनाना है? सिंपली कार्बन 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 के आप चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, दो तीन चार, ठीक है। एंड देन यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिए, इसमें आपने हाइड्रोजन में हर में एक क्रॉस एक क्रॉस एक क्रॉस लगा दिया। तो इसमें आप क्या करोगे, हाइड्रोजन ये दो एंड देन हाइड्रोजन ये दो एंड कार्बन के साथ कार्बन एक सिंगल बॉन्ड, इससे क्या बन गया, कार्बन टोटल कितने बना पा रहा है, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये सारे कार्बन के 8 ले लेगा ये, इसके एंड हाइड्रोजन के 3 मिला के इसके 8 हो गए। इस तरीके से आप सबके बनाओगे, इस तरीके से प्लेस करना कि सारे के सारे सेम जगह आ जाए। इसको नहीं समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ, मैं एक का बना के दिखा रहा हूँ सिर्फ, और सारे खुद बना लेना। फॉर एग्जाम्पल कार्बन है अगर यहाँ पे, एंड देन मैं यहाँ पे एक डॉट बनाया, हाइड्रोजन यहाँ लगाया, एक क्रॉस बनाया, एक डॉट यहाँ लगाया, हाइड्रोजन यहाँ बनाया, एक क्रॉस लगाया, एक डॉट यहाँ बनाया, एक क्रॉस हाइड्रोजन, ठीक है। एंड देन यहाँ पे एक चौथा ये रहा, ठीक है। एंड देन यहाँ पे यहीं से जस्ट स्टार्ट कर दिया दूसरा गार्ड एंड एक यहाँ लगा दिया, ठीक है। सो इसकी बैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए मुझे कार्बन के लिए ये वाला सर्कल बनाना पड़ेगा, ठीक है। एंड हाइड्रोजन में तो ये सर्कल्स बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। इस तरीके से अगर ये कार्बन एक दो तीन चार क्रॉस हाइड्रोजन, ठीक है, क्रॉस हाइड्रोजन क्रॉस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन फिल कर दोगे एंड कार्बन अगेन कितने हो गए कार्बन के पास, एक दो तीन चार, तो इस पूरे को आप एक बना दोगे। इसी तरीके से दो और ऐड करोगे और फिर पूरा तीन और ऐड करोगे और साइक्लोपेंटेन बना, ठीक है। समझ आ गया, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऐसे बनाना है, ठीक है। या और भी सिंपलर तरीका एक और होता है कि थोड़ा सा ट्रिक खेलो एंड पहले गोले बना लो ऑलरेडी, दो तीन चार पांच, ठीक है, गोले बना लिए सारे। एंड देन इन गोले बनाने के बाद अब इलेक्ट्रॉन्स प्लेस करो, सारे हाइड्रोजन प्लेस करो एंड इलेक्ट्रॉन्स अब प्लेस करो, ये सारे हाइड्रोजन प्लेस करके देन इलेक्ट्रॉन्स प्लेस कर लेना कि ऑटोमेटिकली सर्कल के अंदर ही 8 है, इस सर्कल के अंदर ही 8 है, ठीक है। मेक श्योर, यस, रिंग्स बना लेना ओलंपिक की, ओलंपिक जैसी नॉट ओलंपिक की, उनमें हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। मैं इतने ज्यादा डिटेल में ड्रॉइंग करना नहीं चाहता, आगे बढ़ते हैं। समझ आ गए सारे क्वेश्चंस? यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है। अब देखते हैं कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस, एनसीईआरटी क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ ऑफ पेंटेन, पेंटेन के कितने आइसोमर्स बना सकते हैं बताओ। चलो ये करके आओगे, होमवर्क है, हमने मैंने पहले भी दिया तुम्हें, लेकिन आई डोंट थिंक आप लोगों ने करा होगा, ये करके आना। अब आपको थोड़े से और अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि कैसे बनाना है, कैसे चेन्स बनानी है। तो पेंटेन है तो 1 2 3 4 5, ठीक है। लास्ट वाले को हम रिमूव करेंगे, ऑब्वियसली पेंटेन है, लास्ट वाले को हम रिमूव करेंगे, सी 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 सी। अब लास्ट वाले को रिमूव करके हम दो जगह लगा सकते हैं, या तो यहाँ लगा ले या फिर हम सी 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 यहाँ लगा ले, ठीक है। और कोई चीज है ऑप्शन इसमें सर, बीच वाले पे दोनों। तो अगर मैं ये करूं कि सी 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 एंड देन यस सर एक ऊपर और, ठीक है, ये एक ऑप्शन है। बोलो सर, टी शेप, टी शेप में क्या कह रहे हो सर? वो ठीक है, आप जो कह रहे हो यही है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ये दोनों सेम ही बातें हैं, ध्यान से देखो इन दोनों को, लास्ट वाले के साथ दो कनेक्टेड है, लास्ट वाले के साथ दो कनेक्टेड है,
नो डिफरेंस, ठीक है। समझ आ गया सबको? दीज आर द स्ट्रक्चरल और स्मॉल फॉलो। कुछ बच्चों को लगेगा सर ये भी तो हो सकता है, सी 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 सी, नहीं ये और ये सेम बात, इसे बस इन्वर्ट कर दिया, ये भी वही है। तो पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या हुए, ये बना लिया हमने, पहला स्ट्रेट, फिर ये, फिर ये, फिर ये। सर आपने होमवर्क बोला था और खुद ही कर दिया, कंप्लीट करके लाना। लेकिन बोलो, एक डाउट है सर, ये बोले आप दिखा सकते हो वापस से, सर जो आपने थर्ड और फोर्थ बनाया वो सेम नहीं है क्या? गुड, थैंक गॉड तूने बोल दिया। तो ये आने क्या शॉर्टेस्ट पाथ लेना होता है। हाँ, मिरर इमेज एक टेक्निकली ये दोनों क्या है, मिरर इमेज है ना, तो ये भी तो अलग स्ट्रक्चर्स हुए नहीं, तो फिर कितने स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है? थ्री पॉसिबल, करके आना, होमवर्क है, क्या पता किसी घर पे कोई नया मिल जाए, फिर लागी ओवर। एनीवेज, व्हाट आर द टू प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन व्हिच लीड्स टू द ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स? हमने पढ़ा था कैटेनेशन, टेट्रावेलेंसी एंड टेट्रावेलेंसी। व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉक स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन? अभी करा। ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, एथेनोइक एसिड, ठीक है, एथेनोइक। मैं ये दो बना देता हूँ, कोई कोई भी दो बोलो, और दो आप ट्राई कर लेना, बोलो कौन से दो बनाना चाहते हो आप। ब्रोमोपेंटेन, पेंटेन बनाता हूँ, और हेक्सेनॉल, 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 ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, एएल है, एएल कौन सा ग्रुप होता है, ग्रुप कौन सा होता है, एल्डिहाइड सर, COOH नहीं सर, COH, ठीक है, COH लगाना है हमें, मतलब हमें सिंपली COH लगाना है। तो हेक्स, पहले तो हेक्सेन है तो सिंपली छह वो लगा लेते हैं कार्बन आइटम्स, ठीक है, फोर्थ कर रहे हैं पहले, तो छह कार्बन आइटम्स लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6 लगा लिए, ठीक है। एंड इसके साथ हमें क्या ऐड करना है, कौन सा ग्रुप ऐड करना है, COH का, तो COH, ठीक है, एक सेकेंड, COH कौन सा ग्रुप था, कौन सा ग्रुप ऐड करना है हमें, एल्डिहाइड, तो हाँ CHO, C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O, ठीक है। और हर जगह हमें क्या फिल कर देना है, हाइड्रोजन्स, H 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 H, तो ये क्या हो गया, क्या हो गया, एक्सेनॉल, एक्स, ठीक है, क्लियर है सबको? यस। अब कौन सा बोला आपने, दूसरा, ब्रोमो पेंटेन, ब्रोमो मतलब कितने कार्बन होने चाहिए सर, पेंटेन से तो 5 और ब्रोमो मतलब BR लगेगा, ब्रोमो पेंटेन, ठीक है, तो ब्रोमो पेंटेन, पेंटेन मतलब 5 होने चाहिए, 5 बना देते हैं, 1 2 3 4 5 लास्ट में BR, और जगह, हर जगह क्या लगाना है हमें, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है। अच्छा मैंने इसका केमिकल नेम नहीं लिखा ना, दिस इज 1 2 3 4 5 6, एक सेकेंड, वो 6 थे ना, 1 2 3 4 5, एक कार्बन कम बनाया मैंने शायद, एक्सेनल में 6 कार्बन ऑलरेडी होने चाहिए, उसके बाद एक ग्रुप आना चाहिए, यस सर, एक कार्बन कम है इसमें, तो सी एच एच एच, तो दिस इज सी 6 एच, कितने एच है, जल्दी बोलो, बोलो, जोड़ी लो, इसको मत जोड़ना बस, और सारे हाइड्रोजन कितने, 13, ठीक है, पता नहीं होना चाहिए था, C5 होने चाहिए थे, और फिर से CHO लास्ट में होने चाहिए था, C5 क्यों होंगे,
टोटल ऐड होके तो 6 बनते हैं ना, 5+1 सर, सीएचओ का भी तो एक गिना जाएगा। अगर मैं बात करूं उसकी, इसकी बात कर रहे हैं अगर हम, कहां गया, हमने एक और कंपाउंड पढ़ा था ना अभी, इसका नाम क्या होगा? ऐसे कार्बन काउंट करेंगे तो सही बात है, 5 ही होने चाहिए, तो उसके बिना भी ठीक है, बट देन अगेन चलो मैं ना एक बार कंफर्म करूंगा कि डू वी काउंट जो ग्रुप में होता है उसको या फिर नहीं, ठीक है, एक बार कंफर्म करूंगा, उसके बाद ही कर लेंगे, मैं एक बार भेज दूंगा आपको कंफर्म करके। हाउ डू यू राइट द नेम ऑफ दीज कंपाउंड्स, या नेम ऑफ दीज कंपाउंड क्या हो गए, क्या नाम है इसका, दिस इज ब्रोमो, यही है ब्रोमो पेंटेन, नहीं सॉरी दिस इज ब्रोमो, ब्रोमो इथेन, इथेन, ठीक है, ये क्या है, दिस इज, बोलो, सी डबल बॉन्ड ओ एच, अभी अभी पढ़ा हमने, कौन सा ग्रुप है, मिथेनल, मिथेनॉन, हाँ मिथेन वन, ठीक है, अच्छा इसकी बात करते हैं, ये क्या है, सी ट्रिपल बॉन्ड एच, अच्छा तो ट्रिपल बॉन्ड है मतलब ये सैचुरेटेड ट्रिपल बॉन्ड है, तो वाई एनी आएगा एंड वन, कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, दिस इज हेक्साइन, ठीक है, और हाँ ये जस्ट हमारे इस क्वेश्चन ने कंफर्म कर दिया कि इसमें कार्बन को हम ग्रुप वाले कार्बन को भी काउंट करेंगे, तो ये हो जाएगा C5H11CH, ठीक है, यस सर, ओके, हो गए क्वेश्चंस डिस्कस कर दिए एक बार सर, पूरा होमवर्क एक दोबारा बता दो कि क्या क्या है, ठीक है, पहले तो एनसीईआरटी में लिख देता हूँ आपने, ठीक है, एक तो आपको मैं बस ये लिख देता हूँ उससे समझ जाओगे, कंप्लीट एनसी एक्सरसाइजेस एंड सॉरी एक्टिविटीज एंड इन टेक्स्ट, एक्टिविटीज एंड इन टेक्स्ट सर, एक्टिविटीज का मतलब एक्टिविटी में भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे इस एक्टिविटी में ही क्वेश्चन था जो आपको होमवर्क दिया है मैंने, ये एक्टिविटी का क्वेश्चन है, कौन सी एक्टिविटी है, आई डोंट रिमेंबर, देख लेना मिल जाएगी बुक, यही वाले के करने सो, हाँ इसके करना है क्वेश्चन, एक्टिविटीज के आंसर्स आपको पता होने चाहिए, पूछूंगा एक्टिविटीज, कोई डाउट हो तो इंटेक्स करना है ना, इंटेक्स करना है, मैंने डिस्कस तो सारे ही करा दिए, बस आपको फेयर करना है, नोटबुक में दोबारा रिपीट करना है सर, और लर्न कर लेना जो भी सारे कंपाउंड्स है, वो सारे कंपाउंड्स लर्न करके आना, ओके सर, नेक्स्ट क्लास में आपसे ओरल टेस्ट लेंगे सर, और कोई होमवर्क की बस यही एनसीईआरटी एक्टिविटीज एंड इंडेक्स एक्सरसाइजेस, बस रिवाइज कर लेना जो दो दिन दो क्लास में करा है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर, ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच।